प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट दोस्तों आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो नई लिस्ट को आप लोग ऑनलाइन माध्यम से कैसे देख सकते हैं, या फिर अपने गांव की लिस्ट या फिर अपने शहर की लिस्ट आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अपने आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल फोन में आपको सर्च क्या कर लेना है, pmayg.nic.in आपको सर्च कर लेना है, या फिर आप iay.nic.in आपको सिंपली कर लेना है, सर्च कर लेना है। दोस्तों तो दोस्तों मैंने इसमें से सर्च कर दिया, तो आपको दोस्तों जो फर्स्ट इंटरफेस दिख रहा है आपको सेकंड वाला pmagy.nic का दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास का, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाती है। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आप देख सकते हैं लिखा होगा स्टेक होल्डर्स का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है लिखा होगा iay/pmjy-benefit, तो दोस्तों इसमें आने के बाद आपको सिंपली सर्च में कर देना है क्लिक। तो जब क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुलकर आ जाता है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको लिखा है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा नहीं, इसीलिए आप लोग राइट साइड में लिखा होगा एडवांस सर्च, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्योंकि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो आप यहां से डालकर भी आप आसानी से सबमिट करके अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप एडवांस सर्च में आप क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें कर दिया क्लिक, तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा स्टेट। दोस्तों आपके इंडिया में कोई भी जो भी स्टेट आपका हो, जो भी स्टेट आपको लगता हो ये मेरा स्टेट है, उसी में आपको क्लिक कर देना है। आप तो जैसे मेरा यूपी है तो मैंने यूपी में क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, तो मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर ली है। इसके बाद दोस्तों आप अपना ब्लॉक भी चूज कर लेंगे। ब्लॉक चूज करने के बाद आपका जो ग्राम पंचायत है, आपका गांव है या विलेज है, जो भी है आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है स्कीम नेम। स्कीम नेम में दोस्तों आपको सिंपली यहां पर कर देना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं इसमें कर दिया क्लिक। इसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर। अगर दोस्तों आप फाइनेंशियल ईयर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते, मतलब आपको मन हो तो डाल दें, नहीं है तो नंबर डालें। इतना भी करने के बाद आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखता है वो क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नई लिस्ट खुलकर आ जाती है। दोस्तों मैंने इसमें पहले से कर रखा है, तो हमारे दोस्तों ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि हमारी गांव की लिस्ट है, ये आ चुकी है। दोस्तों जितने लोगों की नई लिस्ट में नाम आए हैं वो आपको सामने दिख रहा होगा। दोस्तों इसमें ये जो लिस्ट में 23 लोगों की लिस्ट में नाम आया है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं किसका किसका कंप्लीट हुआ है, किसका अभी बाकी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपका बेनिफिशियरी आईडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आप क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें बेनिफिशियरी नेम भी लिखा हुआ है, आपके फादर का नेम भी लिखा है, आपका बीपीएल नंबर क्या, लास्ट के थर्ड डिजिट लिखे हुए हैं, और आपका हाउस स्टेटस क्या है, और यहाँ पर सेक्शन नंबर भी दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। दोस्तों अमाउंट रिलीज में कुछ लोगों में केवल खाली जगह पड़ी है, लेकिन कुछ लोग नीचे आप देख सकते हैं लिखा है अमाउंट में 45,000 या 70,000 रुपए कुछ इसमें लिखे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो कंप्लीटेड मतलब होगा उनका जो घर है, ये जो आवास का मिला है उनका कंप्लीट हो चुका कार्यभार, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। दोस्तों जैसे मैंने कोई भी मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ पहले, तो दोस्तों मैंने इसमें कर दिया क्लिक, लेकिन वो अभी सर्च नहीं करा क्योंकि दोस्तों हमारा नेट बहुत स्लो है, तो कुछ देर हम वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने जैसे ही उस रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक किया तो आपके सामने दूसरी प्रोफाइल खुलकर फ्री डिटेल्स जो है, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक पंचायत और आपका विलेज क्या है, ये चीजें लिखकर आ जाती हैं, और आपका बेनिफिशियरी नेम क्या है वो भी लिखकर आ जाता है। दोस्तों आप अपनी आसानी से प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या क्या काम हुआ है, आपका अकाउंट नंबर भी दिया होगा, ब्रांच नेम दिया होगा, बैंक का नेम होगा, और आपका क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं, सारी चीज में दी रखी है। दोस्तों आप जैसे नीचे देख सकते हैं लिखा होगा इसमें सेक्शन एंड कंपटीशन डिटेल्स, कंप्लीटेशन डिटेल्स में दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा लिखा हुआ इन केस एडवाइस चेक, इसमें दोस्तों 45,000 रुपया इनको मिल चुका है आईएवाई के अंदर, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इनको 45,000 रुपए मिल चुके हैं और इनका कंप्लीट हो चुका कार्य। और दोस्तों इसमें ऑर्डर शीट भी इंस्टॉलमेंट भी दिखा रहा है कि इनका इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल ईयर क्या था, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें दोस्तों इनको 3 बार में फाइनेंशियल मिला है, और दोस्तों राइट्स हम देख सकते हैं इनका मकान का जो
फोटो है वो भी आपको देख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों पहले जब बन रहा था उसके देख सकते हैं, और जब बनकर कंप्लीट हो गया तो उसका भी फोटो इसमें अपलोड है। तो दोस्तों आप लोग भी एक आसानी से अपना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत आसानी से अपनी लिस्ट में नेम दे सकते हैं और अपनी प्रोफाइल खुलकर देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है, क्या वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आसानी से देख सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आप अधिकारी से सीधा बात भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है तो आप उससे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज का हमारा वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट के बारे में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।